लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले की ओर से आज राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन और जीवन आवश्यक वस्तुओं का ट्रक भेजा गया। विधायक मंदाताई मात्रे ने बेलापुर से राशन और जरूरी सामानों से भरे इस ट्रक को झंडा दिखाकर रवाना किया। यहाँ बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, युवती मोर्चा की जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक मंदाताई मात्रे ने दत्ता घंगाले के मदद अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज बाढ़ पीड़ितों को मदद की जरूरत है, ऐसे में जरूरतमंदों के लिए युवा मोर्चा की यह मदद बड़ी राहत देने वाली है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं, जहां लोग तबाही से परेशान हैं। ऐसे इलाकों के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने आज राशन और जीवन आवश्यक वस्तुओं से भरा ट्रक भेजा। विधायक मंदाताई मात्रे ने बेलापुर से इस ट्रक को झंडा दिखाकर रवाना किया। यहां बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि आज कोकण समेत तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, यहाँ के लोगों को मदद की जरूरत है। ऐसे में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने जो मदद का हाथ बढ़ाया है वह सराहनीय है। मंदाताई मात्रे ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए, आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र में जो बारिश के वक्त जो पूर्व परिस्थिति हुई है, चिपळूण माड़ में बहुत ही बुरी हालत है लोगों की। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा मोर्चा जो है, हमारे दत्ता घंगाले जी, घरत साहब और उनकी पूरी टीम ने मेहनत करके हमारी जो युवा इसकी युवती की हमारी नायडू जी है, सुहासिनी नायडू है, सब लोगों ने मिलके आज ये जो मदद लेके जा रहे हैं, दो तीन दिन के लिए उधर रहने वाले हैं, सब घर घर में गांव गांव में जाके ये मदद देने वाले हैं। और बहुत ज़रूरी चीज़ें जो ज़रूरत से अभी वहाँ मिल नहीं रही है, उनके लिए लोग ने ये जो हाथ भार लगा रहे। और मुझे लगता है मैं सबको वही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा मदद हो के आप उधर देना ज़रूरी है। मैं लोगों से करूंगी कि जो भी देना है थोड़ा दो, अच्छा दो। जहाँ जहाँ मदद केंद्र खुली है वहाँ पर मदद करो, तो वो मदद सही जगह पे पहुँचाई जाएगी। वहीं बाढ़ और बारिश से तबाही झेल रहे इलाकों को रसद और जरूरी सामान भेजने वाले युवा मोर्चा नोइंबई के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा में जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। बीजेपी के सभी नेता इसके लिए पहल कर रहे हैं, इसलिए हमने भी नोइंबई से छोटी मदद भेजने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आगे भी हम बाढ़ग्रस्तों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोकण विभाग में 2 तारीख और 4 तारीख को पूरे महाड़ रहे, चिपळूण रहे, पोलादपुर रहे, इस जगह पे जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर अभी तक मदद नहीं पहुंची है या कम पैमाने पर पहुंची है, उस गांव-गांव में जाके 750 प्रत्यक्ष इसके जो लाभार्थी हम जिसको कह सकते हैं, वहाँ घर घर में जाके ये मदद देने वाले हैं। और इस दौरान आज आप देखें कि आदरणीय मंदाताई मात्रे और यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र घरत जी ने यहाँ पे इसको झंडा दिखा दिया है। और जितनी मदद हो सके युवा मोर्चा पूरे महाराष्ट्र से कर रहा है, सातारा रहे, सांगली रहे, कोल्हापुर रहे, हर जगह पे युवा मोर्चा के माध्यम से मदद पहुँच रही है और हमें खुशी है कि हम इसके भागीदार बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।